योर इंडियन कंज्यूमर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रसाद वेद पाठक, काफी की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और आज हम बात करेंगे इनके बारे में। ये है किंगस्टन की ओर से हाइपर एक्स क्लाउड स्टिंगर गेमिंग हेडसेट। अमेजोन पे आपको ये मिलेंगे 3,800 रुपए में। मैं इन्हें करीब करीब एक महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब जाके ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इनके बारे में बताना जरूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दी है मैंने, एक महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसा मैंने आपको बताया। वैसे कुछ ज्यादा खास तामझाम नहीं था, एक सिंपल से काले बक्से में कुछ कागजात आए थे और खूबसूरत सी कवरिंग के साथ आया था। ये कुछ इस तरह की कवरिंग थी, कुछ फीचर्स मेंशनड है जैसे कि मेमोरी फोम, माइक्रोफोन, उस पर आऊंगा मैं। सबसे पहले मैं इनका कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, इस चीज से शुरुआत करना चाहूंगा। तो आप देख ही सकते हैं जो सारे प्लास्टिक पार्ट्स यूज्ड है वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। ज्यादातर ब्लैक मैट पोर्शन आपको देखने मिलेगा, कुछ कुछ जगहों पे ग्लॉसी ब्लैक पोर्शन इस्तेमाल किया गया है जो कि इन हेडफोन्स की लुक और बेहतर करता है। बहुत ही प्रॉमिसिंग बिल्ड क्वालिटी है, उसी के साथ ये काफी लचीले भी है। थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, जी हाँ, ईयर कप्स की अगर बात कर ले तो वो 90 डिग्री रोटेट होते हैं। तो अगर इन्हें आपको स्टोर करना हो या ट्रैवलिंग के समय कहीं ले जाना हो तो आसानी से आप रख सकते हैं इन्हें आपकी बैग में, तो ये एक अच्छी चीज है। उसी के साथ अगर आप स्लाइडर्स देख लें तो ये मेटल में बने हुए हैं, अंदर का जो पोर्शन है वो मेटल में बना हुआ है, ऊपर का पोर्शन पूरी तरह से प्लास्टिक में बना हुआ है। ऊपर आपको हेड सपोर्ट के लिए एक मेमोरी फोम मिलता है जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। बिल्कुल इसी तरह का मेमोरी फोम आपको देखने मिलेगा ईयर कुशन्स पे, प्यू लेदर में कोटेड। अंदर जो फोम है वो मेमोरी फोम है तो ये अपना शेप रिटेन करेगा और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। ईयर कप पे आपको वॉल्यूम कंट्रोलर भी देखने मिल जाता है जो कि एक और अच्छी बात है। ये चीज आपको गेमिंग करते समय काफी मदद करेगी, आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करना हो तो आसानी से यहां से आप कर सकते हैं। उसी के साथ ये जो माइक्रोफोन है इसे अगर आप ऊपर कर ले तो ये म्यूट हो जाता है, और इसे अगर अनम्यूट करता है तो बस ये करना है आपको, म्यूट और अनम्यूट करते समय आपको एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई देती है कुछ इस तरह से। माइक्रोफोन को गेम खेलते समय मैं पर्सनली ऑन ऑफ करने के लिए इस चीज का काफी इस्तेमाल करता हूं, बस अच्छा लगता है। अगर आप इनकी साइज की बात कर ले तो ये जो मैंने पहने हैं ये मिनिमम सेटिंग पे पहने हैं, इन्हें और आप एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं अभी भी 1 इंच की जगह बची है यहाँ पे, और वैसे मेरा सर काफी बड़ा है और अगर मुझसे भी बड़ा सर है आपका तो आसानी से ये फिट आएंगे आपके सर पे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप आसानी से घंटों पहन के इन्हें गेम खेल सकते हैं। बस एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो भी पोर्शन आपके बॉडी के कॉन्टैक्ट में है वो पीयू लेदर से बना हुआ है, यानी कि आर्टिफिशियल लेदर से बना हुआ है, तो आपको पसीना आएगा। और आमतौर पर ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये जो टाइप का मटेरियल होता है इसकी लाइफ 1.5 से 2 साल होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे चिप होने लगता है। अब इनकी लाइफ कितनी है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इतना ज्यादा वजन भी नहीं है इनका, 1.5 किलो के आसपास होंगे, टू बी प्रिसाइज 275 ग्राम वजन है इनका। अब बात कर लेते हैं इसके केबल की। केबल जहाँ हेडफोन से कनेक्ट होती है वो पोर्शन बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइंड है। उसके अलावा अगर आप ये केबल देख ले तो ये बहुत लंबी है, बहुत यानी कितनी लंबी, 7.5 फीट लंबी है ये केबल। ये केबल जो है वो एक एक्सटेंडर के साथ आती है, तो एक्सटेंडर निकाल के आप इसे डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन में अटैच कर सकते हैं। विदाउट एक्सटेंडर केबल की लंबाई है 4.5 फीट, और विद एक्सटेंडर यानी कि ये जो स्प्लिटर है, माइक और ऑडियो स्प्लिटर है ये जो इस हेडफोन के साथ ही आपको मिलेगा बक्से के अंदर, उसके साथ इसकी लंबाई हो जाती है 7.5 फीट। पर अगर किंगस्टन ये केबल केवलार कोटेड देती तो अच्छा होता। अगर बिल्ड क्वालिटी के मामले में कहीं नंबर काटना चाहूंगा मैं इन हेडफोन्स के, तो वो केबल के मामले में ही होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केबल खराब है, ये केबल बहुत ही अच्छी है, पर बस केवलार में अगर बनी होती तो अच्छा होता। बाकी आप अगर कनेक्टर्स देख ले, उस पे छोटे छोटे डिटेल्स देख ले, ब्रांडिंग देख ले, हर एक चीज बार बार आपको याद दिलाएगी कि आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हो गई इन हेडफोन्स की बिल्ड की बात, अब बात कर लेते हैं इनकी साउंड क्वालिटी की। साउंड ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को एक सर्टन टाइप का साउंड अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता। इन हेडफोन्स की अगर मैं बात कर लूं तो बेस कम है इनमें। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी बेस वाले भी गाने सुनने की कोशिश करें तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं यहां पर। 50 mm के डायरेक्शनल ड्राइवर्स दिए गए हैं इनमें प्रिसीजन ऑडियो परफॉर्मेंस के लिए, और कहना पड़ेगा सराउंड साउंड के मामले में ये हेडफोन्स बहुत अच्छे हैं। इनका असली मजा आप स्पेशली ऑब्जर्व करेंगे पबजी खेलते समय, पबजी पीसी खेलते समय। अगर आपको फुटस्टेप सुनने हो, गाड़ी की आवाज सुनने हो, प्लेन का आवाज अगर सुनना हो, तो उस मामले में ये हेडफोन्स बहुत ही अच्छे हैं। मिड्स, लोज, हाइज एकदम क्रिस्प और क्लियर है इन हेडफोन्स पे, बस बेस कम है। एक तौर से अगर मैं कहूँ तो गेमिंग के लिए ऑडियो आउटपुट बहुत अच्छा है, पर गाने सुनने के लिए उतना ज्यादा खास नहीं है। एक और चीज जो मुझे इस हेडफोन की बहुत अच्छी लगी, शायद ये इस हेडफोन की सबसे अच्छी बात है, वो है इसका माइक। इसके माइक की जो ऑडियो क्वालिटी है वो मैं बताऊंगा नहीं, आपको सुनाता हूं। माइक चेक, ऑडियो स्विचिंग टू दिस माइक्रोफोन इन 3, 2, 1, गो। तो अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो मैंने रिकॉर्ड की है इस माइक्रोफोन को इस्तेमाल करके।
आप देख सकते हैं काफी क्लियर है ये माइक्रोफोन। अभी फिलहाल किसी तरह का फिल्टर नहीं लगाया है इस माइक्रोफोन पर, तो शायद आपको हवा की आवाज सुनाई दे, मतलब कुछ शब्द बोलते समय जो हवा निकलती है उसका आवाज आपको सुनाई देता होगा। पर मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि इस माइक को आप अगर थोड़ा सा दूर कर ले, आपके मुंह से थोड़ा सा दूर कर ले, तो वो हवा की आवाज निकल जाती है। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप इसके ऊपर एक एयर फिल्टर भी लगा सकते हैं। एक आध गेम प्ले देख लेते हैं जिससे आपको बेहतर अंदाजा आ जाएगा। इन हेडफोन्स की एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पबजी जैसे गेम्स खेलते हैं तो इन गेम्स में फुटस्टेप्स जानना और दुश्मन की सही लोकेशन पता करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये हेडफोन्स उस मामले में बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सारे लोग लेफ्ट साइड में है, तो मुझे क्लियरली लेफ्ट साइड में सारे आवाजें सुनाई दे रही हैं, और एक्यूरेटली अगर कोई भाग रहा है या चल रहा है तो वो आगे आ रहा है या पीछे जा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलता है इन हेडफोन्स में। मैंने दूसरे भी कई सारे हेडफोन्स इस्तेमाल किए हैं, पर इस प्राइस रेंज में इतनी ज्यादा एक्यूरेसी मैंने बहुत कम हेडफोन्स में देखी है। इन हेडफोन्स का जो सराउंड साउंड एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसी और गेम प्लेज और लाइव गेमिंग देखना चाहते हैं तो यूआईसी गेमिंग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। माइक्रोफोन की और थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं, फैन चला देता हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने फैन को शुरू कर दिया है फुल स्पीड पर। थोड़ा सा ऑडियो आपको स्विच करके दिखाता हूँ। अभी आप जो सुन रहे हैं वो है कैमरा ऑडियो, और अभी जो आप सुन रहे हैं वो है हेडफोन्स थ्रू। और थोड़ा सा खेलते हैं ऑडियो के साथ। आप यहाँ पर नजर रखिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी चौक में चांदी के चम्मच से चटपटी चिकन करी चटाई। अब कर लेते नॉइस टेस्ट। मैं इन्हें निकाल देता हूँ, यहाँ पर रख दिया है मैंने। ये जो माइक्रोफोन है मेरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अभी एक और टेस्ट कर लेते हैं। मैंने फैन वैसे बंद नहीं किया है, आप ध्यान यहाँ पर रखिए। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी चौक पे चांदी के चम्मच से चिकन चटपटी करी चटाई। अब मैं फैन बंद कर लेता हूँ, एक लास्ट टाइम कर लेते हैं। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी चौक पे चांदी के चम्मच से चिकन चटपटी करी चटाई। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया होगा। नॉइज आइसोलेशन भी अच्छा खासा मिल जाता है आपको इन हेडफोन्स पे। उसी के साथ इसका जो माइक्रोफोन है ये ज्यादा आजू बाजू की आवाजें नहीं कैप्चर करता। ये हेडफोन्स ना ही सिर्फ पीसी के साथ काम करते हैं, ये आपके मोबाइल फोन के साथ भी काम करेंगे और आपके PS4 के साथ भी काम करेंगे। इनफैक्ट इनका माइक्रोफोन इतना अच्छा है कि आप मोबाइल फोन में लगा के एज एन ऑडियो रिकॉर्डर भी इन हेडफोन्स को इस्तेमाल कर सकते हो। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहना चाहूंगा कि अगर आप म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन्स ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, पर अगर 5000 रुपए के अंदर गेमिंग हेडफोन्स की तलाश है आपकी तो वो यहाँ पर खत्म होती है। आग बंद करके इन हेडफोन्स को खरीद लीजिएगा, ये आपका गेमिंग एक्सपीरियंस तो एक अलग लेवल पे पहुंचा देंगे, नो डाउट। उसके अलावा इनका माइक्रोफोन आप ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन्हें मोबाइल फोन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में खासतौर पर गेमिंग की पॉपुलैरिटी देखते हुए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और टिप या एडवाइस आपको देना चाहूंगा, अगर आपको इसके माइक की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही तो एक बार आपके ऑडियो ड्राइवर्स चेक कर लीजिए, शायद वो अपडेटेड नहीं होंगे। ऑडियो ड्राइवर्स अपडेट कराने के बाद एक बार वापस इनकी ऑडियो क्वालिटी चेक कीजिए, क्योंकि मैंने पूरी टेस्टिंग की और मुझे इस माइक की ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। आमतौर पर 5000 रुपए के अंदर के बजट में आपको अच्छा सा गेमिंग हेडफोन मिलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली ऐसा हेडफोन जिसका माइक अच्छा हो। ये हेडफोन एक एक्सेप्शन है। ओवरऑल रेटिंग की अगर बात कर ले तो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मैं इन हेडफोन्स को देना चाहूंगा 7.5 out of 10। अगर इन हेडफोन्स में और अच्छा बेस आउटपुट होता तो शायद मैं इनके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा देता, पर शायद किंगस्टन अगर वो ज्यादा बेस ऐड कर देता तो कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। तो बस यही बताना था आपको, ये हेडफोन्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, इसीलिए सोचा ये वीडियो बना दूं। अगर आपको मेरी नई हेयर स्टाइल अच्छी लगी है तो लाइक दबाइए। अगर आप मुझे वीडियो पे गंजा होते हुए देखना चाहते तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। UIC व्लॉग जो कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं प्रसाद वेद पाठक आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप, एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। बाय बाय।